आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भाई दूज पर भारी उत्साह, भाइयों को तिलक लगाकर बहनों ने दीर्घायु जीवन की ही कामना, सड़कों और बाजारों में चहल पहल। बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 28 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा, आज जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। कन्नौज में तिरवा पुलिस ने देशी शराब ठेकों पर मारा छापा। शराबबंदी के बाद भी धड़ल्ले से बिक रही थी शराब, पुलिस ने 3 लोगों को भी किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक को दी करारी मात। पिछले 24 घंटे में 4 एनकाउंटर, टॉप लश्कर कमांडर अली समेत 5 आतंकी ढेर। और इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से। बड़ी खबर उन्नाव से, संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव। बड़ी खबर उन्नाव से, संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव। 2 साल पहले हुई थी मृतका की शादी। माइकल पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के आशाखेड़ा गांव का ये मामला, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव। आपको बता दें, 2 साल पहले मृतका की हुई थी शादी, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के आशाखेड़ा गांव का ये मामला, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का लटकता हुआ शव। मायके पक्ष ने दहेज का आरोप लगाया है। आपको बता दें, 2 साल पहले मृतका की हुई थी शादी, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उन्नाव से जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का लटकता हुआ शव मिला। करीब 2 साल पहले हुई थी मृतका की शादी, मायके पक्ष ने लगाया है दहेज हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें, सोहरामऊ थाना क्षेत्र के आशाखेड़ा गांव का ये मामला, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटकता मिला विवाहिता का शव। दो साल पहले हुई थी शादी, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। और इस खबर पर बात करने के लिए संवाददाता आशुतोष पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ बताएंगे इस मामले पर आप हमें? जी, ये उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर आज सवेरे एक नवविवाहिता जो थी, जिसका 2 साल पहले ही अभी शादी हुई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में उसका फांसी पे शव लटकता मिला है। जैसे ही ये बात परिजनों को पता चली, लड़की के परिजनों को चली, मायके पक्ष के लोगों को पता चली, वो लोग बड़ी संख्या में वहां पे इकट्ठा हुए और उन्होंने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप ससुराली जनों पे लगाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, पंचायत नामा भरने के साथ ही सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी क्या कुछ आधार है, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई उनसे, क्या किसी तरह की शिकायत विवाहिता ने पहले दर्ज कराई थी ससुराल वालों की तरफ से दहेज हत्या को लेकर, कि क्या पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है? जी, पुलिस सीधे सीधे हमारी सोहरामऊ थाना अध्यक्ष से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो भी तहरीर मिलेगी, अभी तहरीर मिली नहीं है, लिखी जा रही है, जो भी तहरीर मिलेगी उस पर हम जांच करेंगे। लेकिन मौखिक रूप से मायके वाले लगातार कह रहे थे कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, कई बार बेटी ने बताया, इसलिए समझाने बुझाने की भी कई बार बात हुई। लेकिन फिलहाल अभी जब तहरीर मिल जाएगी पुलिस को, तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपडेट करने के लिए इस खबर पर। बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से दे रहे थे, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव। आपको बता दें, 2 साल पहले हुई थी शादी, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के आशाखेड़ा गांव का ये मामला।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक पर्व भैया दूज आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूजा अर्चना के बाद बहनों ने अपने भाइयों को टीका लगाकर आरती की और मिठाई खिलाई। साथ ही बहनों ने भाइयों की दीर्घायु जीवन की कामना की और इस मौके पर भाइयों ने भी बहन की रक्षा का वचन देते हुए शगुन के रूप में उपहार दिए। आज अपने भाई की ओर रक्षा लगाए और पूजा की है और मिठाई खिलाई है। तो और आपने क्या माना है भगवान सिंह के? और ये माना, मेरे भगवान जी से ये माना है कि इसको कोई सर्वबुद्धि दे और ये और ज्यादा जिए। अब मेरी बहन ने मेरे लिए टीका किया है, रक्षा लगाए, मिठाई खिलाई है और यही सब। और आप क्या चाहते हो आज की? मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे बहन सबको मिले क्योंकि वो बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत साफ है। देश में इन दोनों चुनावी माहौल है और सभी दल अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच गांधी परिवार के बेहद करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने मुंबई हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी बताने को भी गलत बताया। आपको बता दें कि पिछले महीने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और इस बड़े हमले के बाद देश में काफी रोष फैल गया था और सरकार पर दबाव था कि वो इस पर अपना जवाब दे। बाद में भारतीय सेना ने पाक सीमा में बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया था। सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले के बारे में कहा कि हमले के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, ये हर तरह के हमले की तरह है और मुंबई में भी ऐसा हुआ था। हमने इस बार रिएक्ट किया और कुछ जहाज भेज दिए लेकिन ये सही तरीका नहीं है। और इस तरह से इस तरह का बयान देकर के सैम पित्रोदा फिर से विवाद में आ गए हैं। विवादित बयान उनका इस तरह से सामने आया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं कांग्रेस के ये लीडर सैम पित्रोदा। और जैसे कि लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है और इस तरह के बयान, जिस तरह से ये विवादित बयान सामने आया है, पूरी संभावना दिख रही है कि कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो सकता है। और इस तरह के बयान, ये जो बयान इनका सामने आया है, इसको कहीं ना कहीं पाक प्रेम से इसको जोड़ा जा रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी हमसे जुड़ चुके हैं। जी सरस जी, जिस तरह से कांग्रेस के इस लीडर जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं सैम पित्रोदा का विवादित बयान सामने आया है, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? हेलो जी सरस जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये कांग्रेस की नासमझी है और जिस तरह से चुनाव के समय पिछले चुनाव हुए तब दिग्विजय सिंह का बयान आया जी, उसके बाद मणिशंकर अय्यर का बयान आया, तो इस तरह के कांग्रेस के नेता एन टाइम पे इस तरह के बयान देते हैं जो विवादित होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका लाभ सीधे तौर पे भाजपा को मिलता है और जो जनता है वो समझ लेती है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जी। और ऐसे मौके पर जहां चुनाव इतने करीब है, जहां फूक फूक कर कदम रखने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ लगता है ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बयान साबित होगा? बिल्कुल पूरी तरह, जैसे दिग्विजय ने पिछले चुनाव में किया था वो बयान, उनके कांग्रेस के लिए संकटकारी साबित हुआ, फिर मणिशंकर अय्यर ने किया और इस बार ये पित्रोदा जी आ गए हैं, ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला जैसा काम है। आज के समय में जब 26/11 से कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जी, ऐसे में 26/11 की घटना का जिक्र करना ही कोई समझदारी का काम नहीं है। जब चुनाव सीधे सीधे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, ऐसे में 26/11 और बम्बई हमला इन सब चीजों का जिक्र करना और उसमें पाकिस्तान का 8 लोग ही थे, लेकिन ये तो समझिए कि 8 लोग हमला करने वाले थे, उन्होंने ट्रेनिंग तो पाकिस्तान में ली थी जी, संगठन हमले की जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी संगठनों ने ली थी, तो जब उसके लोग हैं तो ये कहीं से कहा ना कहा जाए कि पाकिस्तान उसका जिम्मेदार है। बिल्कुल, लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए
कांग्रेस को अपनी बचाने के लिए अंकुश लगाना चाहिए, और जिस तरह से ऐसे बयानों से कंफ्यूजन पैदा होता है, ऐसे बयानों पे तुरंत अंकुश लगाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग इस पे नजर रखे, अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो चुनाव आयोग पे इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई करनी बनती है चुनाव आयोग की। जानना चाहूंगी क्या कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर की तरफ से इनके इस बयान पर किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है अब तक? अभी तक तो नहीं आई है, और हमें नहीं लगता कि अगर जिस तरह से प्रियंका गांधी आगे आई हैं, हमें नहीं और सदे हुए बयान दिए हैं, अभी तक प्रियंका गांधी का कोई भी बयान ऐसा नहीं रहा जो विवादों में रहा हो जी। तो इस तरह का जो बयान आया है, तो हमें नहीं लगता कि जिस तरह प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की पूरी नीति रीत को देख रही है, तो इस पे किसी कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आएगा जी। बिल्कुल, और यहाँ ऐसे में जहाँ फूक फूक कर बयान दे रही हैं प्रियंका गांधी, फूक फूक कर हर कदम रख रही हैं, ये बयान जो इनका सामने आया है नुकसान पहुंचाने वाला सीधे तौर पर, क्या कुछ लगता है बीजेपी को इस बयान से फायदा होगा? निश्चित फायदा होगा, ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान का पक्ष लेना है कि उस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह का बयान इस बात का संकेत है कि ये कहीं ना कहीं से, अब तीन स्थितियों में कोदला जी ने ये बयान दिया है, लेकिन है बयान पूरी तरह भाजपा को फायदा देने वाला जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि विवादित बयान दिया है सैम पित्रोदा ने, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं और साथ ही राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं सैम पित्रोदा। आपको बता दें उनके इस बयान से सीधे तौर पर उनका पाक प्रेम सामने आया है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, और यहां पर यह बयान कांग्रेस के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बयान साबित होगा, और सीधे तौर पर विरोधियों को, विपक्षी दल यानी और बीजेपी को इससे फायदा होगा। ऐसे में जहां प्रियंका गांधी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही हैं, उनके बहुत ही सधे अंदाज में राजनीति कर रही हैं, रैली कर रही हैं, जहां भी जिस तरह के भी वो वक्तव्य दे रही हैं, उनके शब्दों पर अगर गौर किया जाए बहुत ही सधे बयान दे रही हैं। और ऐसे में कांग्रेस लीडर जो कि राहुल गांधी के करीबी हैं सैम पित्रोदा का, इस तरह का विवादित बयान आना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। जी अग्निहोत्री जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से ये बयान सैम पित्रोदा का सामने आया है, इनके बयान पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी तो बयान की हमें जानकारी नहीं है, उन्होंने क्या बयान दिया है जी। लेकिन जैसा अभी हमें पता चला है, तो निश्चित इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के लोग, अगर कोई भी सवाल खड़ा होता है तो नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं, देश में कोई घटना घटती है जी, तो पाकिस्तान पे जब हमारी सेना बॉर्डर पर, यहाँ पर देखिए आपसे एक सवाल, एक सीधा सीधा सवाल करना चाहेंगे, कहाँ से विस्फोटक सामग्री आई, हरप्रकाश जी एक सीधा सीधा सवाल करना चाहेंगे, बयान पर सवाल किया है मैंने आपसे हरप्रकाश जी, सवाल बयान पर आपसे हम करना चाह रहे हैं जो अभी आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो बयान सामने आया है, अगर जो आप सुन रहे हैं, क्या कुछ ये गलत है कि नहीं, आप इसका पक्ष लेंगे कि नहीं लेंगे और सफाई देंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बयान पर आप? हेलो जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बयान पर जो आप कह रहे हैं कि अभी आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि इन्होंने जो कुछ भी बयान दिया है, जो सुनने में आ रहा है, आप इनका पक्ष लेंगे या फिर कुछ कहना चाहेंगे इनके बयान पर? नहीं नहीं, देखिए जब तक हम कोई बयान सुन न लें, ये हमारा चूंकि आज अखबार समाचार पत्र भी नहीं आए हुए हैं, और जब तक कोई बयान हम सुन न लें उस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। बयान आने के बाद ना कभी कभी ये भी होता है कि देखिए मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल कुछ बयानों को तोड़ मरोड़ करके भी पेश करते हैं जी। खैर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जी। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल है वो जो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि विवादित बयान आ चुका है सैम पित्रोदा का, जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप,
स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, Learn by Live Concepts, Chess Club, Learn Tactics and Strategy, Astronomy Club, Journey Beyond Stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. दुर्घटना के तीन आधार, नशा, नींद और तेज रफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्री स्वामी प्रसाद की जनता से अपील, यातायात के नियमों को अपनाएं, अपना जीवन बचाएं। यातायात पुलिस जनपद जालौन आपकी सेवा में तत्पर। बुकिंग्स ओपन, झांसी होम्स, 2 BHK, 3 BHK एंड 3 BHK लग्जरी, JDA अप्रूव्ड फर्स्ट पोडियम गार्डन कॉन्सेप्ट इन झांसी, 90% भवन निर्माण पूर्ण, 24 hours उच्च कोटि की सिक्योरिटी विद CCTV कैमरा, साथ ही कम्युनिटी हॉल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं। झांसी होम्स आइए, अपने परिवार के साथ बिताइए एक शाही जीवन। सभी बैंकों से लोन उपलब्ध, रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर। झांसी होम्स, आपके सपनों का घर। बुकिंग्स ओपन, जल्दी करें, कुछ ही फ्लैट्स शेष हैं। बिहाइंड हाजी पेट्रोल पंप, अपोजिट जय अकेडमी स्कूल, शिवपुरी रोड, झांसी। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे, खनन खनन पैसा बरसे, खुशहाली है चारों ओर। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर ऑर्गेनिक व शुद्ध कपिला पशु आहार, इसमें है सबसे ज्यादा पोषक। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और कपिला पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। कपिला पशु आहार हिलाना, कपिला पशु आहार। अम्मू, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। पापा, किससे बात कर रहे हो? अम्मू,
मेरी अम्मू अब मरी हो गई है ना। कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। लेट्स टॉक पीरियड्स। इंद्रप्रस्थ अस्पताल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप सभी लोग मतदान करके देश के उज्जवल भविष्य की तरफ अपने कदम उठाने में मदद करें। कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ से समस्त जनपद के निवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महापर्व मतदान के लिए आप लोग मतदान जरूर करें, जिससे आपका देश मजबूत हो, आप मजबूत हों। जय हिंद, जय भारत। विकास खंड खजुआ के लखना खेड़ा ग्राम सभा प्रधान मीना देवी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास खंड खजुआ से संजय कुमार मिश्र ग्राम पंचायत अधिकारी की तरफ से फतेहपुर जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा के उस विवादित बयान की जिसने कांग्रेस को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। आपको बता दें कि एक बार पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू इसी तरह का विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद से कांग्रेस फिर एक बार मुश्किल में आ गई है। आपको बता दें कि उन्होंने बालकोट में भारतीय वायुसेना के हमले पर सवाल उठाए हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से इस हमले का सबूत भी मांगा है, जिसके बाद से ही उनका यह बयान विवाद में आ गया। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, और इस तरह के बयान के बाद से उनका पाक प्रेमी होना उजागर हो गया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रति उनका ये प्रेम है जो उनके बयान के रूप में इस तरह से सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाने को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना के लिए किसी कुछ लोगों की घटना के अंजाम देने की वजह से पाकिस्तान पर पूरे देश पर आरोप लगाना, पूरे देश पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। आपको बता दें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान आया है, विवादित बयान हो गया है आते ही, ये क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? हेलो हेलो जी सुरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं जानना चाहूंगी जो सैम पित्रोदा का विवादित बयान सामने आया है, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? हाँ देखिए, ये उनका फितरत है, ये वही कहते हैं जो पाकिस्तान कहता है, और पाकिस्तान और कांग्रेस मिलकर के साथ चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश से प्रधानमंत्री ना बने। इसीलिए पाकिस्तान की साजिश से पाकिस्तान ही मुझे लगता है कि इनसे इस प्रकार के बयान दिलवा रहा है, और बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं अगर जांच हो तो शायद इन पर फंडिंग भी इनको पाकिस्तान कर रहा होगा। ये भी एक बड़ा प्रश्न बन सकता है जो इन लोगों के लिए, क्योंकि ये जिस प्रकार की यहाँ भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान में तालियां बजती हैं, पाकिस्तान जो कहता है वो यहाँ की भाषा बोलती है, यहाँ पे ये लोग बोलते हैं। वरना सैनिकों ने जो अपना पहली बार इस देश में सैनिकों को फ्री किया गया अपने कार्रवाई करने के लिए, और सैनिकों ने जो करके दिखाया उस पूरे देश का मान बढ़ा, और इतना ही नहीं, अमेरिका जैसा देश भी जो भारत का आज तक साथ नहीं था, इस आतंकवाद को भारत के साथ खड़ा हुआ और अब पाकिस्तान पे दबाव बनाया है। ये सारे लोग ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका और बाकी अन्य देश भारत को बल प्रदान करें, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये डिस्पूट हो, और केवल तुष्टिकरण के आधार पर और वोट बैंक के लिए ही ये राजनीति करते हैं। मुझे लगता है देश की जनता इनको जिस प्रकार से 2014 में नकार रही है, नकारा था, उसी प्रकार 2019 में भी पूरे देश की जनता इनको नकारेगी। जनता बिल्कुल नहीं ये सुनना चाहती है कि पाकिस्तान को इनके बयानों से बल मिले और अलगाववादियों को इनसे बल मिले,
ये इनकी फितरत में है जो जनता इनको 2019 के चुनाव में नकार देगी। जी, और बात यहाँ पर विवादित बयान की हम कर रहे हैं, इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू का इसी तरह का एक विवादित बयान आ चुका है, इस तरह से एक और विवादित बयान आया है, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? क्या कांग्रेस के लीडर ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, आप कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी उठा करके अगर देखिए तो कांग्रेस अपने द्वारा क्या अच्छा काम किया इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके द्वारा कोई अच्छा काम किया ही नहीं गया। जी, वो हम बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, हमने क्या क्या अच्छे काम किया, हम केवल उस पर फोकस है। और ये केवल नरेंद्र मोदी जी पर और उनको गालियां बकना इनकी फितरत में है, जो उनको गालियां बक करके और देश के संवैधानिक पद को भी बेइज्जत करना इनकी फितरत में आ गया है। और ये अपने अच्छे कामों को जनता के बीच नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं है, लिहाजा ये अपने को जिंदा करने का एक असफल प्रयास सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पर अटैक करके कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता और कानपुर की जनता पूरा समझती है और इनको नकार रही है। ये पाकिस्तान के एजेंट के रूप में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काम कर रही है और लोग जानते हैं कि ये एजेंटों को अब इस देश में नकार दिया जा रहा है। आप प्रियंका की बात अगर करिए तो केवल जब से आप देख रहे हैं कि पलड़ा प्रियंका जी के हस्बैंड जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि विवादित बयान सामने आया है सैम पित्रोदा का, जिसके बाद से ही उनके पाक प्रेमी होने पर बात की जा रही है, माना जा रहा है कि वो पाक प्रेम उनका इस तरह के बयान से सामने आया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने केंद्र पर निशाना साधा, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स सरकार से बहुत दुखी है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वोट के लिए जवान मार दिए गए। सैफई में होली के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि मैनपुरी संसदीय सीट से नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी में आया है कि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तादाद है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जा रही है, लेकिन पैरामिलिट्री के अफसर बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू श्रीनगर के बीच चेकिंग नहीं की गई थी, जवानों को सादी बस में भेजा गया था और ये साजिश थी। उन्होंने कहा कि देश की सरकार को दिल्ली से उतारने का काम यूपी करने जा रहा है और देश को बचाने के लिए सपा बसपा ने मेल किया है, भाजपा देश में तानाशाही लाने का काम करने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 28 प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी। बीजेपी एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी जंग फतेह करने के लिए पुराने चेहरों के सहारे मैदान में उतरी है। बीजेपी ने जाट, राजपूत और वैश्य समुदाय के लोगों को उतार कर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। जाट के सामने जाट, वैश्य के सामने वैश्य और दलित के सामने दलित प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा है और इसी के साथ ही बीजेपी बाकी सीटों पर आज दूसरी लिस्ट जारी कर सकेगी। और इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से, जहां सौरिक स्वास्थ्य केंद्र में दबंगों ने मचाया तांडव। बड़ी खबर कन्नौज से, सौरिक स्वास्थ्य केंद्र में दबंगों ने मचाया तांडव, वार्ड बॉय समेत फार्मासिस्ट को कमरे में बंद करके पीटा। स्वास्थ्य केंद्र में जमकर की तोड़फोड़, मरीज का इलाज कराने की बात पर हुआ बवाल। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमसे जुड़ चुके हैं। जी विवेक, जानना चाहूंगी क्या कुछ है ये मामला? बताते हैं, यहाँ पर कुछ लोग अपने इलाज के लिए अपने परिजनों के साथ आए हुए थे। उन्होंने इलाज के दौरान दवा बनाया, वार्ड वार से फार्मासिस्ट से दवा बनाया, इलाज की जबरदस्ती इलाज कराने की बात करी, पर कुछ सुविधा न होने के कारण बवाल हुआ। इसके बाद इन्होंने मारपीट की वार्ड वार के साथ, वार्ड वार और भी जो कर्मचारी जो इनके उनके साथ मारपीट हुई है। अपने मरीज को जबरन इलाज के लिए कहा जा रहा था, इस वजह से बवाल हुआ है। और इसके बाद जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने 3 लोगों को उठाकर गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ कर रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें बड़ी खबर कन्नौज से, जहां सौरिक स्वास्थ्य केंद्र में दबंगों ने उत्पात मचा दिया। आपको बता दें वार्ड बॉय समित फार्मासिस्ट को कमरे में बंद करके पीटा और स्वास्थ्य केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की। सौरिक थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। कानपुर के सभी शहरवासियों को इस रंग और सौहार्द के त्योहार की मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और ये सबसे मैं अपील करता हूं कि इस त्योहार को इसकी परंपरा के अनुसार इस उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एक बहुत ही खुशियों का त्यौहार है, और मैं पूरे जनपदवासियों को पुलिस और प्रशासन की तरफ से होली की मुबारकबाद देता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं कि वो शालीनता के साथ होली मिलाए, रंग जबरदस्ती किसी के ऊपर न डालें, कोई ऐसा जोखिम भरा काम न करें। होलिका दहन करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि किसी की संपत्ति को क्षति न पहुँचाई जा सके, और मद्यपान वगैरह